उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बचलोता में हाई टेंशन बिजली के तार टच होने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बचलोता में उस समय हाहाकार मच गया जब एक युवक अपनी छत पर खड़े होकर नीचे रोड पर चल रहे डीजे को देखने लगा। अचानक हाई टेंशन बिजली ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वह वहीं पर गिर पड़ा। परिवार वाले तुरंत सरकारी अस्पताल हापुड़ ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के घर वालों का कहना है कि हम विद्युत विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं और गांव प्रधान से भी कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। मृतक के परिवार में एक बहन और तीन भाई हैं। मृतक की 4 साल पहले शादी हुई थी। मृतक के 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष दूसरे की 1 वर्ष है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। संवाददाता अभिषेक कुमार। तार बिजली दूर है, उसका पाइप भी गिरवा रखे हमने। प्रधान से कही थी, ना सुनी प्रधान ने भी बताई। प्रधान से करी शिकायत तो भी जो कहती मेरे बस की ना ही हमारा काम ना वो गई। मगर भैया हम 10-5 हजार रुपए भी दे देंगे, ना सुन कर जा कटे यहाँ खम्भे गड़े। मगर भैया खम्भा यहाँ गड़वा दे, खम्भे को मैंने गड़ती नहीं करे। यू काम ना कम्प्लेट करो बता। कई बार कम्प्लेट कर दस 19 बार हापुड़ जाओ और वहाँ जाओ। उनके दौरे गए 10 आदमी बुलाओ, 20 आदमी किस इकट्ठे करे। 2 घरों के ऊपर लाइन है और के लाइन भी ना ऊपर। हमारे खुद आदमी ना है, अभी यू लोंडा है, यू भी चल दिया दूसरे घर में। 2 भाई भी गए